हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका एसी भी पुराना हो चुका है ज़्यादा और वो बार बार गैस लीक कर रहा है, तो आपको क्या चीज़ चेंज करवानी है जिसकी वजह से गैस नहीं लीक करेगा। और ये इसकी फ्रंट ग्रिल है जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रंट ग्रिल मैंने चेंज करवाई है अप्रॉक्स, जो मुझे गैस डालने के बाद और ये ग्रिल चेंज करने में मुझे खर्चा आया 7,000 रुपये का। तो ये कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं, ये ग्रिल्स होती हैं, ये बिल्कुल वीक होती हैं, जिसकी वजह से जब बार बार ये ठंडा गर्म होता है तो ये इसको दिक्कत करता है और ये ख़राब हो जाता है। ये ख़राब होने के बाद हमारा एसी जल्दी से गैस लीक कर देता है, तो फिर क्या होता है, फिर वही प्रॉब्लम, आपको दोबारा गैस डालनी। और गैस आज की डेट में हो चुकी है 2500 रुपये की। विंडो एसी या अगर शायद आपका स्प्लिट एसी है तो हो सकता है उसकी थोड़ी ज़्यादा हो या कम हो, ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी। तो ये मैंने इसको चेंज करवाया है 7,000 में, गैस भी डलवाई और ये पूरा पैनल भी चेंज करवाया है। और ये एसी वाले ने हमें ये चीज़ बताया जो आप इसमें देख रहे होंगे, सॉल्यूशन से लगाया इसने, वो सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या चीज़ लगाया है, जिससे उसने बोला है कि इसकी, मतलब सपोज़ अगर आज की डेट में इसकी 1 साल या 2 साल चलने वाला हो ये, या कोई और एसी नया वाला जो आप लगाएंगे, तो उससे लगाने से 1 और साल 2 साल बेनिफिट मिल जाता है। तो ये चीज़ है उसके अंदर। तो ये है मेरा 7 साल पुराना एसी और आज भी ये बहुत अच्छी ठंडी हवा देता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे वो चेंज करवाया है। तो आप मेरे छोटी छोटी मेरे पास क्लिप्स हैं तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। और 4-5 साल तक अच्छी कंडीशन में काम करेगा विदाउट गैस लीक किए हुए। तो अगर आपका एसी भी बार बार गैस लीक कर रहा है तो आप इस पैनल को डायरेक्ट चेंज करवाएं और 4-5 साल तक टेंशन से मुक्ति पाएं। तो ये है वो मेंशन पॉलिश, जिसको इसका पूरा नाम ये है, आप देख सकते हैं। ये वाली पॉलिश आप ला सकते हैं, जब आपका नया एसी लग रहा हो तो आप इसको लगा सकते हैं।